Guys, good evening, guys. Very, very good evening. I hope you guys are doing well. And फटाफट मुझे ऑडियो वीडियो कंफर्मेशन दे दो ताकि मैं तुमको बता दूं कि भैया हम क्या क्या करने वाले हैं आज के सेशन के अंदर. सी, वन शॉट रिविजन्स जब हम बोलते हैं तो वो अपने आप में बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत कुछ होता है उसके अंदर. तो हम एक बार पहले आपकी एनर्जी का लेवल चेक कर लेते हैं. How's the josh, guys? How's the josh? How's the energy? And I could see like many people have already joined in the class. And very, 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 very good evening. क्या बात है? Hello, hello, hello. So very, very good evening. कैसे आप लोग? क्या बात है? Look at the josh, man. Look at the energy. Too good. जहाँ उन सारे सोते हुए बच्चों को उठाकर लिया, और जो लोग अभी भी सो रहे हैं, सोच रहे हैं लेकिन परेशान हो रहे हैं कि लॉ कैसे पढ़े, उन सबको बुलाकर बोल दो कि गाइस आई एम बैक विद वन शॉट रिविजंस फॉर यू ऑल टू से टू फील दैट लॉ इज लव. अभी करंट व्यूअर्स का नंबर मुझे 143 दिख रहा था, जो कि अब बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है और बढ़ रहा है. सो इट इज जेन्युइनली लव. एंड और आई कुड जस्ट से कि भैया बहुत मजा करने वाले हैं, बहुत मस्ती करने वाले हैं, बहुत धमाल करने वाले हैं और जल्दी 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 टॉपिक्स खत्म करने वाले हैं. आप लोगों के चैट सेगमेंट के अंदर मैंने एक लिंक पिन किया हुआ है. ये जो लिंक है, ये लिंक आपको सारा फ्री कंटेंट देगा. तो डेली बेसिस पे मैं आपको जो जो पढ़ाने वाली हूँ, है ना, वो सारा कुछ आपको ये लिंक पर मिल जाएगा. ओके, अब मैम हमारा टू डू क्या है, लाइक व्हाट आर वी गोइंग टू डू, व्हाट ऑल थिंग्स विल बी कवर्ड इन वन शॉट रिविजंस, वो मैं सब कुछ बताऊंगी. लेट अस बिगिन विद अ क्विक इंट्रोडक्शन. राइट, क्या बात है देवांशी, थैंक यू, सेम टू यू. लैग हो रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा मुझे लग नहीं रहा, मुझे यहाँ पे सब कुछ एक्चुअली ठीक दिख रहा है. इट्स शोइंग वेरी नाइस एक्सीलेंट करेक्शन. सो ऑल ओके, चलिए तो आज के सेशन में हम लोग शुरू के 10 मिनट वी आर गोइंग टू डिस्कस लाइक व्हाट इज गोइंग टू बी द स्ट्रेटजी एंड यू नो द टारगेट ऑफ दिस वन शॉट रिविजन्स. आज 6 तारीख को शुरू हो रहे हैं, 6 नवंबर को शुरू हो रहे हैं, खत्म कब होने वाले हैं, एवरीथिंग लाइक वी विल गोना कवर ईच एंड एवरीथिंग इन दिस. तो फटाफट 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 ये डिस्कशन कर लेते हैं ताकि फिर उसके बाद में हम लोग फटाक से सेशन चालू करते हैं, बिकॉज डीले तो अब बिल्कुल नहीं करना है हम लोग को. ओके चलो, तो क्विकली लेट मी गिव यू ऑल माई इंट्रोडक्शन. मैं हूँ स्वाति अग्रवाल, आई एम अ फर्स्ट टाइम चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरी. सी और सी एस के अलावा मैंने उसके साथ ही बी कॉम ऑनर्स किया है, ओ लेवल किया है एंड लाइक काफ़ी सारे डिप्लोमास भी किए हैं. इट्स बीन 10 प्लस ईयर्स आई हैव बीन टीचिंग. भैया वेट की आदत नहीं चाहती, बट ठीक है, इट्स बीन 10 प्लस ईयर्स आई हैव बीन टीचिंग. एंड तुम लोगों को सिर्फ इतना कहूँगी, जितना ये एक्सपीरियंस है और उससे पहले का भी जो स्कोर एक्सपीरियंस है, लाइक आई स्कोर लाइक इंटरमीडिएट में भी एंड एवरीथिंग. सो जितना मेरा एक्सपीरियंस उस बेसिस पे, देयर आर सर्टेन टेक्निक्स जो मैं आप लोगों को डेफिनेटली कवर कर बनाने वाली हूँ. मैं इतना कह सकती हूँ कि लॉ के अंदर टॉपर आना भी अभी से एग्जाम तक में पॉसिबल है. लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि चलो टॉपर नहीं भी आए लेकिन 70+ तो ला ही सकते हैं. तो हम वो कुछ टेक्निक्स देखेंगे, कुछ मेथडोलॉजी देखेंगे जिससे हम लोग उतना स्कोर कर पाए. ओके चल, कमिंग टू दिस थिंग, व्हाट ऑल थिंग्स आर कवर्ड, लाइक व्हाट इज दिस वन शॉट सीरीज, है ना, एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम मैराथन. सो वन शॉट सीरीज के अंदर हम लोग वन डे वन यूनिट कवर करेंगे. सो इफ इट इज कंपनीज एक्ट, आप मान के चलो थोड़ा सा बड़ा सेशन होगा, पूरा कंपनीज एक्ट खत्म होगा. एलएलपी है तो भैया ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा सेशन होगा, पूरा एलएलपी कवर होगा. पार्टनरशिप का यूनिट 2 है, थोड़ा सा बड़ा सेशन होगा, पूरा यूनिट कवर होगा एंड सो ऑन. ठीक है, तो हितेश सब कुछ बता रही हूँ, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ योर पेशेंस. सो वन शॉर्ट सीरीज के अंदर सबसे पहले हम वन डे वन यूनिट का टारगेट रखेंगे. ओके okay? फिर उसके बाद में जब हमारे सारे यूनिट खत्म हो जाते हैं, जैसे कि तुम सबको पता है हम लोगों ने 16 से शुरू किया है, तो जैसे ही हमारे सारे यूनिट खत्म हो जाएंगे डे 1 2 3 4 6 7 8 9 4 दिन में, तो फिर फिफ्थ डे हम लोग क्या करेंगे, जिस दिन हमारे सारे यूनिट खत्म हो जाएंगे उस दिन सिंगल लेक्चर में होगा माइंड मैप ऑफ एंटायर चैप्टर, बिकॉज दैट हैज टू बी डन टुगेदर, एंड सेक्शन
लर्निंग सेशन, नोवो सेक्शन रिविजन, बिकॉज आई वुड से कि भैया मैं सेक्शन सिर्फ रिवाइज नहीं करवाती हूँ, मैं सेक्शन को लर्न करवा देती हूँ, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेक्शन लर्निंग करेंगे यहाँ पर। ओके जी, तो ये हमारी कुछ चीजें हैं जो हमें खत्म करनी है, इस तरीके से होगा। एंड उसके बाद में जो सिक्स्थ डे होगा, है ना, तो उस दिन क्या करेंगे हम लोग, हम उस पूरे चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी कर लेंगे। इट इज गोइंग टू बी लाइक मिनिमम 5 क्वेश्चंस एंड मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने बड़े क्वेश्चंस होते हैं। 1 से 1.5 घंटे में विल गोना कवर दिस थिंग। तो ये तो होगा सोगा का। इफ इट इज से कंपनीज एक्ट, मैम वो तो एक ही है, जी हाँ, तो वन डे में हम सेशन खत्म कर लेंगे, दूसरे दिन में उसका माइंड मैप और सेक्शन रिविजन खत्म कर लेंगे। कंपनीज एक्ट के अंदर केसेस काफी ज्यादा हैं, तो उसके केसेस ज्यादा रिवाइज करेंगे, सेक्शंस उतना नहीं है उसके अंदर जितना केसेस का इंपॉर्टेंस है वहां पर, तो सारे केसेस भी हम लोग रिवाइज कर लेंगे। दैट इज गोइंग टू बी इन अ सिंगल सेशन। एंड देन डे 3 पर होगा हमारा क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस। एक्ट खत्म करो, प्रैक्टिस करो, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसा होगा, एज सिंपल एज दैट। 6 दिन में 6 यूनिट करेंगे, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, तो अकॉर्डिंगली आराम से मैनेज हो जाएगा। सो 6 डेज 6 यूनिट्स प्लस सेक्शन रिविजन्स, थोड़ा बड़ा है उसके अंदर, तो माइंड मैप 1 दिन में होगा, सेक्शन रिविजन होगा, और सेक्शन रिविजन के साथ साथ उसके केस लॉ रिविजन होंगे, तो इट विल टेक 2 डेज इन दैट। तो 8 दिन वो हुए, प्लस 2 दिन हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बड़ा एक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, तो अकॉर्डिंगली वी आर गोइंग टू डू इट। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग हिसाब लगाते हैं, तो ये आपका तब तक चलेगा जब तक आपका मैराथन शुरू नहीं होता है। मैराथन में इट इज गोइंग टू बी रियली रियली फास्ट फॉरवर्ड। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग इसी तरीके से खत्म करने वाले हैं। ओके, फिर उसके बाद में मैम द क्वेश्चन इज कि क्या बीसीआर होगा? जी हाँ, बीसीआर होगा। बीसीआर के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वेदर इट इज कम्युनिकेशन, वेदर इट इज योर राइटिंग के कुछ सेशन, वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है? वी आर गोइंग टू कवर एवरीथिंग, वेदर इट इज बीसीआर, बीसीआर सॉरी कम्युनिकेशन, वेदर इट इज वोकैबुलरी, वेदर इट इज यू नो योर इंपॉर्टेंट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, प्रेसी, एवरीथिंग, हर चीज जो मैं आज के सेशन में करवा रही हूँ आज ही तुम्हारे ड्राइव पे अपलोड हो जाएगा। तो यू आर वी गोइंग टू गेट ऑल दीज नोट्स? आंसर इज येस, यू आर गोइंग टू गेट ईच एंड एवरी नोट्स। एक बार मुझे प्लीज कंफर्म कर दीजिए, डू वी हैव लैग? तो हमें क्या क्या मिलने वाला है ना, टिक करवाती हूँ, रुको तुम लोग को। तो हमें इस वन शॉट से क्या क्या टेक अवे है, लेट अस जस्ट क्विकली सी। सो टेक अवे, रिविजन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द टॉपिक, यस। नेक्स्ट टेक अवे, आर वी गोइंग टू गेट सम नोट्स? यस। विल वी गोना कवर माइंड मैप्स एंड सेक्शन रिविजन? यस। आर वी गोइंग टू हैव राइटिंग प्रैक्टिस? यस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैम, क्या आप टेस्ट कंडक्ट करोगे? यस। सिर्फ लॉ का? नहीं, लॉ और बीसीआर दोनों का। कब तक चलेगा? टिल मैराथन चलेगा। अभी बताओ कितनी एनर्जी आ रही है? मजा आ रहा है? एवरीथिंग डन। आप लोगों का टारगेट क्या है? ये तो चलो ये है कि मैं क्या देने वाली हूं तुमको, अब मैं तुमसे क्या चाहती हूँ वो भी सुनो। हर दिन मैं जितना तुम लोगों को कवर करवाऊंगी उतना मैं चाहती हूँ अगले दिन तुम रिवाइज करके आओ। सो यू नीड टू फॉलो अ पैटर्न ऑफ स्टडी विद क्लास। तो वो सारे बच्चे जो एक शेड्यूल नहीं बना पा रहे, एक टाइम टेबल नहीं बना पा रहे, तुम लोगों के लिए ये एक शेड्यूल है, एक टाइम टेबल है। 1 दिन में मैंने एक यूनिट करवाया, तुम्हारा यूनिट वो खत्म होना चाहिए अगले दिन, ठीक है? फिर अगले दिन मैंने दूसरा यूनिट करवाया, तुम्हारा वो यूनिट खत्म हो जाना चाहिए। तीसरे दिन तीसरा यूनिट करवाया, तुम्हारा वो यूनिट खत्म हो जाना चाहिए, एंड सो ऑन। समझ गए? दैट इज हाउ इट शुड वर्क। यानी तुम क्या करोगे, आज सोगा का यूनिट 1 हम खत्म कर लेंगे, तुम्हारा भी खत्म होना चाहिए।
सुगा का यूनिट टू खत्म होना चाहिए, नोट्स आर देयर विद यू, मॉड्यूल इज देयर विद यू, तुमको और किसी बुक की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस के क्वेश्चन जितने चाहिए उतने ऑलरेडी ड्राइव पर मैंने अपलोड कर दिए है, दैट इज गोइंग टू बी मोर देन इनफ फॉर यू। ठीक है, सो ये एक चीज है। देखो मैं मेरा प्रॉमिस निभाऊंगी, आई विल बी ट्रैवलिंग ऑल्सो, आई विल बी यू नो गोइंग अराउंड प्लेसेस ऑल्सो, तुम्हें तुम्हारा लेक्चर मैं पहुंचा दूंगी, टाइम पर बकायदा लेक्चर होगा। ठीक है, लेकिन ये चीज ध्यान रखनी है कि तुमको भी डेली उतना रेगुलरली चीजें फॉलो करनी पड़े। ठीक है जी, सो इसी के साथ हम लोग करते हैं हमारे आज के सेशन की शुरुआत। अब तुम लोगों को एक और काम देती हूँ, डेली का देखो रिवीजन तो है ही, अगर चैट में कोई नया बच्चा आता है, कोई कुछ पूछता है, कोई कुछ करता है, देखो डेली कोई ना कोई ऐड होता ही रहता है, उन सबको आप बोलिएगा कि आप प्लीज लेक्चर नंबर 1 के पहले मिनट से देख लो, तुमको पता चल जाएगा कब क्या कैसे होने वाला है। ऑल्सो आई एम गोइंग टू मेक अ ट्रैकर फॉर यू गाइस कि कौन सा लेक्चर कहाँ पर है, तुमको लिंक के साथ भी मिल जाए। ठीक है, प्लेलिस्ट बन ही जाएगी दो लेक्चर के बाद। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, मैंने आप लोग को बहुत बहुत सारा मिस किया था, सो आई कुड लाइक टेल यू नाउ दिस वेरी वेरी ओपन, मैंने तुम लोग को बहुत 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 सारा मिस किया था। सो आई रियली 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 वाना से कि गाइज आई एम फीलिंग लिटरली यू नो आई लव विद यू ऑल कि फाइनली यू गाइज आर बैक टू मी एंड आई एम बैक टू यू, सो सी यू गाइज, लाइक अमेजिंग टू सी यू ऑल गाइज अगेन। ठीक है जी, चल कोई इमोशनल नहीं होने वाले हम लोग, बिकॉज द जर्नी इज स्टिल वेरी लॉन्ग, 2 महीने हम लोग ऐसे डेली मिलेंगे, डेली पढ़ेंगे, आइडियली 60 मिनट्स का सेशन होगा, लेकिन जो टॉपिक शॉर्ट है उसको लंबा करके मतलब नहीं, उसको हम 45 मिनट्स में खत्म कर लेंगे, जो टॉपिक बड़ा है उसके लिए कभी कभी 70 मिनट्स का भी लेक्चर होगा। ओके, चलिए करते हैं स्टार्ट हमारे आज का वन शॉर्ट सीरीज की शुरुआत, एंड वेलकम टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सो ये ऐसा एक्ट है जो कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में बैठा हुआ है कि भैया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मुझे पता है आपने से काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे पढ़ चुके हैं, तुम लोग को सीरियसली ये एक्ट 100% मैं भी श्योर हूँ उतना डिफिकल्ट नहीं लगता होगा, येट देर आर सर्टेन प्रोविजंस जिसको लेकर तुम लोग डाइसी होगे, आज के सेशन के बाद वो क्लियर हो जाना चाहिए। ये मत सोचना कि यूनिट 2 में क्या है, ये मत सोचना यूनिट 3 में क्या है, लेट्स गो 1 by 1। ओके हर्ष, आई एम नॉट श्योर, बट उसके लिए आपको एक शॉर्ट अपलोड करवा दूंगी मेरे सेशन के बाद, आई विल स्पीक विद सर एंड यू विल गेट अ शॉर्ट इन सम टाइम। ओके चलो, सो कमिंग बैक टू दिस, सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज दैट एक्ट जो बेसिकली कुछ बेसिक चीजें बताता है बाइंग और सेलिंग के बारे में। ये एक ऐसा एक्ट है जिसे हम डेफिनेटली रिलेट कर सकते हैं हमारी डे टू डे लाइफ पे, पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है, और किस दिन से एप्लीकेबल है ये सब वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, पर फिर भी बता देती हूँ 1 July 1930 से रेलेवेंट है। अब आते हैं हम लोग रेलेवेंट चीजों पे, यानी डेफिनेशंस पे। तो पहली डेफिनेशन जो कि इम्पोर्टेंट है, अच्छा जिन लोगों को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और याद है, टेस्ट योर सेल्फ, समझ लो ना, व्हाट डू यू मीन बाय टेस्ट योर सेल्फ, टेस्ट योर सेल्फ मतलब मेरे साथ साथ डेफिनेशन बोलो ना, कहाँ दिक्कत है। ओके ठीक है जी, तो coming to this, what is the definition of buyer, what is the definition of seller? Buyer means a person who buys or agrees to buy, seller means a person who sells or agree to sell, jisne kharida wo bhi buyer hai, jo kharidne ke liye taiyar hai wo bhi buyer hai, jisne becha hai wo bhi seller hai, aur jo bechne ke liye taiyar hai wo bhi seller hai। aao samajhte hain in dono se, theek hai, ये हमारी क्यूट सी क्यूटी, ये एक बार जाती है मार्केट में शॉपिंग करने, ठीक है, और इसको मिल जाता है एक लोफर, है ना, हम लोफर से नाम नहीं पूछते, पर ये इसको देख देख के बड़े सारे कॉम्प्लीमेंट्स पास कर रहा होता है कि अरे मैम आपकी स्माइल बड़ी प्यारी है, जब से मैंने आपको देखा है ऐसा लग रहा है कि बस क्या ही बोले, है ना, क्या ही बोले आपको, एंड ऑल आई कैन टेल यू वन थिंग इज कि आप जैसे लोग मार्केट में जब आते हैं तो मतलब ऐसा लगता है नजर ना लग जाए, पर आपकी ये स्माइल के लिए मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, ये भी बड़ी खुश हो जाती है और रोज ले लेती है, रख लेती है। अब मुझे बताओ इन दोनों के बीच में ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है, इज इट अ ट्रांजेक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर, क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये लोफर और क्यूटी बायर और सेलर है, व्हाट डू यू थिंक, क्या बात है आयुष,
व्हाट डू यू थिंक, बायर और सेलर है कि नहीं है? नहीं है, पक्का नहीं है? ओके ठीक है, अब आपने मना कर दिया, मैं क्या ही कर सकती हूँ। फिर ये कहता है कि आपकी जो स्माइल है ना वो इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी कि मैं चाहता हूँ आपकी स्माइल बिल्कुल ऐसे ही रहे, लेकिन आपकी ये स्माइल बरकरार रखने के लिए आपको रहना पड़ेगा हेल्दी और आपको रहना पड़ेगा डॉक्टर से दूर। और कहते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो आप ये मेरा एप्पल ले लीजिए। पहले उसने रोज दिया, अब एप्पल दिया, और उसने जैसे ही एप्पल दिया उसने क्यूरी को कहा बस 50 रुपीज का एप्पल है। अब इतनी तारीफ सुनने के बाद और रोज एक्सेप्ट करने के बाद बताओ एप्पल कैसे ना एक्सेप्ट करे इंसान। तो फिर क्यूटी ने निकाला 50 रुपए का नोट और उसको दे दिया। क्या अब ये दोनों बायर और सेलर है? व्हाट डू यू थिंक, क्या अब ये दोनों बायर और सेलर है? लोफर ने एमबीए की हुई है, देखो भाई हमें नहीं पता, सेल्समैन तगड़ा है, बिल्कुल है। क्यों है बायर और सेलर? क्योंकि यहां पर गुड्स गई पैसा आया गुड्स गई, समझ गए? तो अब यहां पर हमारी वो डेफिनेशन सेट होती है, अ पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाय, इसने तो बाई कर लिया, अ पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल, इसने तो सेल ही कर लिया। हाँ ये दोनों बायर और सेलर है ना। दूसरा एग्जाम्पल, एक छोटू सा बेसिक सा एग्जाम्पल, ठीक है, एप्पल सेल करने का निंजा टेक्निक। हाँ तुम लोग इसको कुछ भी नाम दे दो, अभी इसके ऊपर की एक चीज समझाती हूँ तुम लोग को। ये तो ठीक हुआ, व्हाट इफ यहाँ पर ये मैडम इसको कह देती कि ये तो ठीक है, ये एप्पल तो मैंने ले ली एंड आई एम टेकिंग इट होम, लेकिन इसके अलावा कल मुझे 2 केजी एप्पल और चाहिए। और लोफर कह देता हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मैं आपको 40 रुपीज से लगा दूंगा, रोज थोड़ी रोज देना होता है, 10 रुपए तो रोज का खर्चा था गुलाब का, तो अब रोज रोज तो रोज देना नहीं है, तो वो तो मैं आपको 40 रुपीज से लगा दूंगा, तो आप 2 किलो एप्पल ले जाइए। तो कहती है ठीक है कल आप पैक करके रखिएगा, मैं 2 किलो एप्पल लेकर जाऊंगी। तो अब यहाँ पर इसने अभी तक खरीदा नहीं है, उसने अभी तक बेचा नहीं है, लेकिन ये बेचने के लिए तैयार है, ये खरीदने के लिए तैयार है, यानी कि फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए भी क्या ये दोनों बायर और सेलर है? आंसर इज यस। ओके, आर दे बायर एंड सेलर फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शन एज वेल? यस दे आर, क्योंकि अग्री टू बाय और अग्री टू सेल वाले भी क्या होते हैं? बायर और सेलर होते हैं। नाउ कमिंग टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ गुड्स। वैसे तो देखा जाए बहुत ही बेसिक है, कैसे बेसिक है गुड्स का डेफिनेशन? गुड्स मतलब कोई भी सामग्री, लाइक यू नो द फोन इज ऑल्सो गुड्स, आईपैड इज ऑल्सो गुड्स, मेरा ये पेन इज ऑल्सो गुड्स, एनीथिंग एंड एवरीथिंग गुड्स की डेफिनेशन में आती है। लेकिन यहाँ पर इसको डिफाइन किया गया है एक तरीके से, और वो तरीका कहता है, मैं लिखकर बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, गुड्स मीन्स वॉट एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन, किसको साइड कर दिया, किसको हटा दिया, हटा दिया एक्शनेबल क्लेम और मनी, इन दोनों को कह दिया तुम नहीं हो गुड्स, तुम थोड़ा साइड हटो। क्यों? गुड्स खरीदने के लिए जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो है मनी, और मनी की तरह ही हम एक्शनेबल क्लेम को यूज करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन एक्शनेबल क्लेम, तो मनी का रिप्लेसमेंट है, तो मनी एन एक्शनेबल क्लेम, चेक एक्शनेबल क्लेम। तो ये सारी चीजों को हमने क्या कर दिया, हमने कहा यार कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक तरीके से, तुम साइड हो है ना, तुम कैश इक्विवेलेंट हो, तुम कैश की तरह ही हो, तुमसे तुम गुड्स खरीदेंगे, तुमको गुड्स कैसे बना दे। सो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन, किसको हटा दिया, एक्शनेबल क्लेम को हटा दिया, मनी को हटा दिया, बट इट इंक्लूड्स किसको अपने साथ मिला लिया, इस इन्होंने मिला लिया स्टॉक्स एंड शेयर्स को, इतना ही नहीं और किसको मिला लिया, ग्रोइंग क्रॉप्स। अरे ये तो मूवेबल नहीं होती है, उसको कैसे मिल हटाएंगे, अरे बेचते टाइम तो हटा देंगे ना, काट देंगे। सो इट इंक्लूड स्टॉक्स एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, कोई भी चीज जो जमीन से जुड़ी है और बाद में अलग हो सकती है, थिंग्स दैट आर स्टिल फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड व्हिच कैन बी सेवर्ड लेटर, कब, बिफोर सेल बट अंडर एग्रीमेंट टू सेल। कभी भी कोई भी गुड्स जो अभी जमीन से जुड़ी है लेकिन आप बाद में उसको अलग कर सकते हो,
वो सब कुछ गुड्स है, ये सब कुछ हमारी गुड्स की डेफिनेशन में कवर होता है। इंग्लिश लॉ के अंदर स्टॉक्स और शेयर्स इंक्लूड नहीं होते थे, लेकिन हमने तो करे हैं। देखा, हम हमेशा कंपेयर कब करते हैं, जब हम कहते हैं हम उससे तो बेहतर ही है, तो इंग्लिश लॉ में नहीं था पता है, हमने इंक्लूड कर लिया, समझ गए। सो स्टॉक्स और शेयर को हमने इंक्लूड किया। ओके, एक्शनेबल क्लेम का मतलब कि एनीथिंग लाइक इक्विवेलेंट टू मनी व्हिच इंक्लूड्स लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज, मूवेबल डेट, दे आर ऑल कंसिडर्ड एज एक्शनेबल क्लेम। तो अगर मुझे डेफिनेशन याद करना है तो इट इंक्लूड्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम, मनी इन सर्कुलेशन, बट इट इंक्लूड्स स्टॉक शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड टू एंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड दैट इज अग्रीड टू बी सेवर्ड, जिसको हम बाद में क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, जमीन से जुदा कर देंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन याद रही तो बहुत ही बढ़िया, याद रहनी चाहिए। अब कुछ क्लैरिफिकेशन है ना, ये कुछ क्लैरिफिकेशन है मेरी साइड से। एंटीक कॉइन्स, एंटीक कॉइन्स गुड है क्योंकि वो मार्केट में ट्रांजैक्ट नहीं होते हैं, पुराने सिक्के नहीं होते, बहुत हजारों में बिकते हैं वो। ऑल मूवेबल प्रॉपर्टीज आर गुड्स, स्टॉक शेयर, एफडीआर, गुड्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड एंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, गुड्स। व्हाट अबाउट वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वो भी तो मूव होते हैं, वो भी गुड्स हैं, व्हाई नॉट। गैस, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट भी गुड्स हैं, इंटेंजिबली से गुड्स तो हैं, लेकिन क्या नहीं होते हैं फिर गुड्स, वही जो भी बोला, मनी नहीं होता गुड्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती है, एंड एक्शनेबल क्लेम लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं होते। कमिंग टू द फैक्ट दैट बैंक अकाउंट का क्या होगा, बैंक बैलेंस का क्या होगा, डेबिट का, यार ये सारे मनी इक्विवेलेंट है, समझ रहे हो, मार्केट में थोड़ी खरीद सकते हो। चल यार तेरा बैंक अकाउंट बड़ा मस्त लग रहा है मेरे को, कितने में बेचेगा, अरे कोई खरीदने बेचने की चीज थोड़ी है, समझ गए। ओके, सो दे आर ऑब्वियसली नॉट गुड्स। कमिंग बैक टू दिस, गुड्स के टाइप्स, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कभी 4 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है, इस पे केस स्टडी तो बनते ही है, डायरेक्ट भी बनता है। सो गुड्स होते हैं 3 तरह के, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कंटिंजेंट। एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कंटिंजेंट। एग्जिस्टिंग गुड्स जो अभी हमारे सामने है, पैसे तो चीज लोग खत्म, फ्यूचर गुड्स ऑर्डर दे देते हैं बन ही जाएगी, कंटिंजेंट होना या नहीं होना किसी और चीज पर डिपेंड करता है। फोन बड़ा पुराना हो गया तुम्हारा, क्या तुमको नया फोन चाहिए, ठीक है, फिर फाउंडेशन में 300+ लिया, बहुत टाइम हो गया यार मिले नहीं है, एक काम करती हूँ आपके घर आकर आपसे मिल लेती हूँ, लॉ में 90+ चाहिए। तो ये इवेंट होना या नहीं होना किसी और चीज पर डिपेंड करता है, और वो चीज होनी या नहीं होनी निश्चित नहीं है, कंटिंजेंट, दैट इज कंटिंजेंट गुड्स। सो एग्जिस्टिंग गुड्स अभी ले लेते हैं, फोन ही तो है, चलो पैसे देते खरीद लेते हैं। फ्यूचर गुड्स, मेरा फोन ना स्टॉक में नहीं है, ऑर्डर दे देता हूँ, नेक्स्ट वीक आएगा। फ्यूचर गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स, बेटा फोन तभी मिलेगा जब 300+ आएंगे फाउंडेशन में, कंटिंजेंट गुड्स पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, है ना। कमिंग टू दिस, एग्जिस्टिंग गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स है 3 तरह की, स्पेसिफिक, एसर्टेन, अनसर्टेन। स्पेसिफिक, मुझे ब्लैक कलर का एंड्रॉइड कर्व स्क्रीन सैमसंग का ही फोन चाहिए, एंड दैट हैज टू बी एस सीरीज का लेटेस्ट, S24। स्पेसिफिक, एसर्टेन, मुझे एंड्रॉइड फोन चाहिए, कर्व स्क्रीन का हो तो अच्छा, जो जो मॉडल्स है सब दिखा दो, मैं चुन लूंगी, छांट लूंगी, पसंद कर लूंगी, एसर्टेन। अनसर्टेन, भैया कोई भी फोन दे दो रे, बात ही तो करनी है, अनसर्टेन, समझ गए। सो एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग भी 3 तरह की होती है, स्पेसिफिक, एसर्टेन, अनअसर्टेन। अब एक एक करके फटाफट डेफिनेशन देखते हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते टाइम में वो सेलर के पास पड़ी हुई थी, सेलर के पोजेशन में थी वो गुड्स, हमने उसे कहा पैसे ले लो, दे दो हमको, ठीक है। अब उसके अंदर थी पहली स्पेसिफिक गुड्स, वो गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर हमने क्लियरली आइडेंटिफाई करी थी और एग्री करी थी, यही वाला फोन चाहिए मेरे को, दैट इज आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन। स्पेसिफिक गुड्स, एसर्टेन गुड्स, 1 किलो टमाटर चाहिए भैया, मैं छांट कर लेने वाली हूँ, एसर्टेन गुड्स। मैंने क्या किया, मैंने छांट छांट के कॉइन्स लिए, मैंने छांट छांट के टमाटर लिए, दे आर ascertain goods. Out of the given lot of tomatoes, I have taken out my choice of tomatoes, ascertain goods. So these are those goods
जो कि अग्रीमेंट के बाद, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से पहले हम लोग एसरटेन कर लेते हैं, ठीक है। काफी सिमिलर है स्पेसिफिक गुड्स से, लॉ ने भी अलग से इसको डिफाइन नहीं कर रखा है, लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर लिटिल सेपरेट, है ना। यूनिट थ्री में जाते जाते मिल जाती है स्पेसिफिक और एसरटेन। कमिंग टू अनअसर्टेन गुड्स, ये वो गुड्स है जिसको ना हमने आइडेंटिफाई किया है ना ही एसरटेन किया है कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम। कोई भी नमक का पैकेट दे दो, कोई से भी चावल दे दो, कोई सा भी फोन दे दो, यू नो दीज आर दोस थिंग जिसको हम नहीं, हमारे लिए कोई और चुनता है। क्या बात है। नेक्स्ट, कमिंग टू फ्यूचर गुड्स, मैंने क्या बोला, एग्जिस्टिंग फ्यूचर, ये वो गुड्स है जो मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस या एक्वायर होती है कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद। अभी नहीं है वो सेलर की ओनरशिप में, कब आएगी, जब हम लोग मैन्युफैक्चर कर लेंगे, जब हम लोग ऑर्डर कर लेंगे, यू नो लाइक हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उसके बाद में ही मैन्युफैक्चर होगी, हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उसके बाद में ही ऑर्डर होगी, उसके खुद की ओनरशिप में बाद में आएगी वो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद। गाइस वाज देयर एनी लैग, आई डोंट थिंक। मैरिज का एग्जांपल दूं, बिल्कुल दूंगी, खत्म हो जान दो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंटिंजेंट गुड्स, ये वो गुड्स हैं जिनका मिलना या नहीं मिलना किसी और चीज पर डिपेंड करता है, रिजल्ट एज आई सेड, ठीक है। अभी चलो एक और अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ जिससे तो तुम डेफिनेटली रिलेट करोगे, ओके। शादी तो एक निश्चित सच है, सभी करने वाले हो, है ना। तो अब अगर मम्मी पापा आपकी शादी फिक्स करा रहे हो और आप कहते हो मैं तो किसी से ही शादी करूंगी, अगर आपने मेरी इससे शादी नहीं कराई ना, तो देखना मैं शादी नहीं करूंगी, पापा ये लड़की मुझे पसंद है, आप इसी से मेरी शादी कराओगे। स्पेसिफिक, आपको उसी से ही शादी करना है, स्पेसिफिक। दूसरा, फोटोज और बायोडेटास पढ़े, चुन लो अपनी पसंद की, अपनी पसंद का एसर्टेन। गिवन ऑप्शन है तुम्हारे पास, उसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लो, बशर्ते सामने वाला है, सामने वाली भी तुमको पसंद कर ले, है ना। सीए बन गए तो रिजेक्ट होने के चांसेस कम हो जाएंगे, बाकी तो ठीक है। सो गिवन ऑप्शन में क्या है, आपने सेलेक्ट कर लिया, दैट इज एसर्टेन। अनअसर्टेन, किसी से ही शादी करा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अनअसर्टेन, ठीक है। समझ गए। ओके, एग्जिस्टिंग गुड्स, अभी से तुम लोगों ने डिसाइड कर रखा है किसी को शादी की डेट तक है, शादी करूंगा तो इसी से ही करूंगा, यू नो एग्जिस्टिंग। ऐसी चाहिए, वैसी चाहिए, चलो ठीक है, ऐसी ढूंढ लेना, वैसी ढूंढ लेना। फ्यूचर, जब माँ बाप कह दें अगर सीए नहीं करी ना, देखना तेरी शादी नहीं कराएंगे, भाई भारी कंटिंजेंट, इससे ज्यादा भारी कंटिंजेंसी तो नहीं आ सकती, समझ गए, एकदम भारी वाला कंटिंजेंट। कोई बात नहीं दिव्या, मुझे ऐसा लग रहा है मैं मम्मी पापा को आइडिया दे रही हूँ, इसकी शादी मत करा ना अगर ये सीए नहीं करे तो, अपने आप मोटिवेशन आएगा पढ़ने के लिए। चलिए नेक्स्ट, कमिंग टू टाइप्स ऑफ गुड्स अगेन इन अ समराइज वर्जन, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कंटिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स वो गुड्स है जो एग्जिस्टेंस में होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम पे, और सेलर डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के टाइम में ओनरशिप में और पोजेशन में रखता है इसको। तीन टाइप की होती है एग्जिस्टिंग गुड्स, स्पेसिफिक, एसर्टेन, अनसर्टेन। कमिंग टू फ्यूचर गुड्स, वो गुड्स जो मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस और एक्वायर होती है फ्यूचर डेट पे, यानी कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद। फॉर एग्जाम्पल ज्वेलरी, हमें ज्वेलरी हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस के साथ चाहिए होती है। चेन तो इसकी पसंद है, लेकिन पेंडेंट इसका पसंद है, लेकिन उसके अंदर का डायमंड इस कलर का चाहिए, वो कहता है बनवा के भेज दूंगा, फ्यूचर गुड्स। कंटिंजेंट गुड्स, जिसका होना या नहीं होना किसी और इवेंट पर डिपेंड करता है, उसे हम कहते हैं कंटिंजेंट गुड्स। नेक्स्ट, कमिंग टू डिलीवरी, डिलीवरी अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी एग्जाम में दो बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, 4 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 6 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है, दो दो मार्क्स के लिए टाइप्स पूछ सकते हैं ना, बहुत सिंपल है, और इसके ऊपर केस स्टडी भी बनता है। सो डिलीवरी मींस व्हाट, डिलीवरी मींस वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स वॉलंटरली यानी अपनी इच्छा से ट्रांसफर करता है, तो उसको हम कहते हैं डिलीवरी। डिलीवरी हो सकती है तीन तरह की, एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिम्बॉलिक। एक्चुअल डिलीवरी, जहां पर गुड्स फिजिकली डिलीवर होती है, हमने क्या किया, एक्चुअली में गुड्स उठाकर किसी को दे दी, एक्चुअल डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, गुड्स अपनी जगह पर ही है, गुड्स नहीं मूव हो रही है, गुड्स हिल ही नहीं रही अपनी जगह से, लेकिन ओनर बदल गया, ऐसा कैसे हो सकता है,
बिल्कुल हो सकता है। गोडाउन में पड़े हैं 200 किलो 500 किलो चावल और वो खरीद लिए मुझसे सोहेब ने। सोहेब को मैंने कहा यार ले जाओ, तो उसने कहा नहीं वहीं रहने दीजिए, मैं जब आगे वो चावल गौरव को बेचूंगा तो गौरव डिसाइड करेगा। गौरव ने आगे आस्था को बेच दिए वो वाले चावल, और फिर आस्था ने कहा कि यार उसको वहीं रहने दो, फाइनल जब किसी को जरूरत रहेगी तब वो उठा लेगा, आगे और दे देते हैं। फिर उसने वो चावल बेच दिए प्रिंस, और प्रिंस ने कहा यार चावल मैंने तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए लिए थे, आप घर भिजवा दीजिए। तो अब हुई एक्चुअल डिलीवरी जो प्रिंस ने ली। उससे पहले जो ओनर्स बदल रहे थे वो क्या था, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, जो पैसे दे रहे थे ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे थे। समझ गए। कमिंग टू सिंबॉलिक डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी वो डिलीवरी होती है जब हम कोई ऐसी चीज ट्रांसफर कर देते हैं जो ओनरशिप कहलाती है, जैसा कि चाबी ऑफ कार है ना, किसी चीज के डॉक्यूमेंट्स, राइट। अगर मुझे किसी को कार गिफ्ट करनी है तो मैं डेफिनेटली ऐसे कार उठाकर तो गिफ्ट नहीं कर सकती भाई, मैं क्या करूंगी, मैं बिल्कुल ऐसे उठाकर गिफ्ट नहीं करूंगी, मैं चाबी दे दूंगी। दैट इज वे इजियर, बहुत से क्या लगता है ना। वैसे मुझे लगता नहीं मैं कभी भी किसी दिन किसी को कार गिफ्ट करने वाली हूँ, बट यू नो जस्ट सेइंग। सिमिलरली मुझे लगता है आप भी ऐसा कुछ नहीं करोगे कि ऐसे कार ही उठाकर किसी को दे रहे हो, डेफिनेटली आप भी क्या करोगे, सीधी सीधी चाबी दे दोगे, राइट। चलो बढ़िया है फिर। सो सिंबॉलिक डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंबॉलिक, सिंबल तो कार की ओनरशिप का सिंबल छवि, कंस्ट्रक्टिव ऐसा लग रहा है कि हम ओनरशिप ट्रांसफर करें, कंस्ट्रक्टिव यस वी आर डूइंग ट्रांसफर, वी गॉट अ कंस्ट्रक्टिव आइडिया, वही सामान को पड़ा रहने दो, हम ओनर बदलते रहते हैं, दैट इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। ठीक है, यहां तक मुझे लगता है सबको सब कुछ समझ में आ गया। कमिंग बैक टू नेक्स्ट थिंग, राइट, दैट इज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ द गुड्स। ऑल्दो डेफिनेशन हम लोग डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल की पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट, दो डेफिनेशन हमें पढ़नी, एक है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, दूसरा है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, डॉक्यूमेंट शोइंग, शोइंग वर्ड से शो ऑफ की बूनी आ रही है तुम लोग को, शो 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 ऑफ, यस। सो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल जिसमें सिर्फ ओनर का नाम दिखाई देता है, लेकिन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आपकी एक्चुअल ओनरशिप डिफाइन करता है। मेरी सीए की मार्कशीट या मेरा पासिंग सर्टिफिकेट अगर तुमको मिल भी गया, तुम उसका कुछ नहीं कर सकते हो, ओनर मैं ही रहूंगी, मेरा नाम है उस पे, ठीक है। लेकिन लेकिन किंतु परंतु अगर मेरा ब्लैंक चेक तुम्हारे हाथ लग गया भैया, तुम्हारा हो जाएगा वो, क्योंकि तुम फिर उसको जाके इनकैश करवा सकते हो। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल वो क्या था, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, लेकिन मेरी मार्कशीट डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, वो इतनी बड़ी एसेट है भाई, वो तुम नहीं ले सकते मुझसे, समझ रहे हो। तो सीए की डिग्री इतनी बड़ी एसेट है, वो कोई किसी की नहीं ले सकता, लेकिन पैसा, पैसे ही गिर गए, कोई भी ले सकता है, ब्लैंक चेक कोई भी ले सकता है, दे आर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, ठीक है। सो किसी भी चीज की ओनरशिप जिस डॉक्यूमेंट से ट्रांसफर होती है वो होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। लेकिन कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो ओनर का नाम बता रहा है, जिसमें ओनर का डिटेल लिखा हुआ है, दैट इज डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। वेयर फिंगर सर्टिफिकेट, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, दीज आर ऑल डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, जो किसी और को हम देंगे तो वो भी हमारा सामान लेकर आ सकता है। अरे सिंपल सिंपल एग्जाम्पल, आपने कपड़े ड्राई क्लीन पर दिए, ड्राई क्लीन वाले अंकल ने अगर एक बिल दिया और बोला ये बिल लेकर आना तो ही तुमको कपड़े वापस मिलेंगे, वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल हो गए, समझ गए। लेकिन अगर वो बिल देते थे और कहते कॉपी मेरे पास है, आप तो कपड़े पहचान लेना, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, समझ गए। ओके, बिल ऑफ लेडिंग का एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, बिकॉज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ज्यादा अच्छे से समझ में आता है उससे। तो एक सेलर है, ठीक है, सेलर भाई साहब बैठे हैं ब्रिटेन में और वो वहां से जूते सप्लाई कर रहे हैं। तो उन्होंने जूते अपने सेल्स एजेंट को दिए, सेल्स एजेंट ने क्या किया, उन्होंने शिप पे जूते लोड करवा लिए, ठीक है। अब वो शिप से जूते चले गए इंडिया के हमारे कस्टम ऑफिस में, यहां से उसने, ब्रिटेन से उसने जूते लोड करवाए, इंडिया के कस्टम ऑफिस में चले गए, ठीक है। अब वो जूते इंडिया में हमें क्लियर करवाने पड़ेंगे और बाहर तक पहुंचाने पड़ेंगे, लेकिन इस प्रोसेस में चाहिएगा एक डॉक्यूमेंट जिसको कहते हैं बिल ऑफ लेडिंग। तो जैसे ये भाई साहब ने यहाँ जूते पहुंचाए,
इसको मिला एक डॉक्यूमेंट जिसको कहते हैं हम बिल ऑफ लेडिंग। ये बिल ऑफ लेडिंग इस सेल्स एजेंट के पास आ गया और उससे आया सेलर के पास, समझ गए। जैसे ही जूते वहां सबमिट किए, सेल्स एजेंट से आया सेलर के पास, और सेलर वो देगा इसको बायर को, बायर अपने बाइंग एजेंट को यानी अपने एजेंट को देगा। और वो जब इंडिया के कस्टम ऑफिस में दिखाते हैं ना, तब जूते मिलते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, वी कैन क्लियरली से इट इज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, अनलेस एंड अंटिल कोई वो बिल ऑफ लेडिंग नहीं दिखाता है तब तक वो नहीं मिलता है। अच्छा, ये इसको वो बिल ऑफ लेडिंग कब देगा? जब ये इसको पेमेंट करेगा, समझ गए। जैसे इसने पेमेंट किया, इसको ये बिल ऑफ लेडिंग दे देगा। बिल ऑफ लेडिंग मिलती है, अपने एजेंट को कहेगा सामान आने वाला है, सामान आने वाला है, जल्दी से ले आओ। वो यहां पर जाकर कंफर्म करेगा और सामान आते ही बिल ऑफ लेडिंग देगा, कंसाइनमेंट उठाएगा, समझ गए। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इसका एक बेसिक एग्जाम्पल है। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? है ना, देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना नहीं इम्पोर्टेंट ये चीज समझना, लेकिन समझ में आना चाहिए। हमने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल पढ़ा है, तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो ओनरशिप डिफाइन करता है, जिसके पास डॉक्यूमेंट है वही वो चीज ले सकता है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, बिल ऑफ लेडिंग, वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट। बिल्कुल इसी तरीके से हमने बोला प्रिंस ने फाइनली सामान लिया, पर प्रिंस वो सामान लेगा कैसे? जब वो सर्टिफिकेट हम प्रिंस को देंगे कि ये लो अब तुम ओनर हो, संभालो सर्टिफिकेट, जाओ अपना सामान ले लो। ओके, दैट इज वेयर हाउस कीपर्स सर्टिफिकेट। नेक्स्ट, कमिंग टू अगेन दिस डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, ये दोनों ही काफी इंटरेस्टिंग टर्म है। शेयर सर्टिफिकेट जो होता है वो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल होता है, लेकिन इस एक्ट में जिसकी हमें जरूरत पड़ती है वो होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। कमिंग टू मर्केंटाइल एजेंट, मर्केंटाइल एजेंट कौन है? मर्केंटाइल एजेंट एक ऐसा पर्सन है जो कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जिसको हम अथॉरिटी देते हैं कि तुम जाओ और जाकर मेरे बिहाफ पे गुड्स बेच कर आओ। ओके, फॉर एग्जाम्पल, मुझे ऐसा लगता है मैं हर मार्केट में नहीं पहुंच सकती, तो मेरा मार्केट यूके में संभाल रहा है प्रथमेश, है ना, दिव्या संभाल रही है यूएस के अंदर, सिंगापुर में बैठी है दीपिका और दुबई में बैठी है तानिया। अब ये लोग जो है, ये लोग क्या करें, अलग अलग कंट्री में मेरा काम संभाल रहे हैं। तो मैंने इनको क्या किया, कस्टमरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अपने बिहाफ पे सामान को बेचना खरीदना चालू कर दिया। सो दे आर डूइंग वर्क ऑन माय बिहाफ, समझ गए। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैम क्या आप, ऑब्वियसली यार पांचवा एक्ट रिवाइज करवाऊंगी इंक्लूडिंग एलएलपी आल्सो, एलएलपी आल्सो कम टाइम में कराऊंगी पर करा दूंगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो होना ही है, सारे एक्ट हम लोग रिवाइज करेंगे प्लस वीसीआर भी रिवाइज करेंगे। ये कौन सा क्वेश्चन है, पूरा 100 मार्क्स का लॉ करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। कमिंग टू दिस, व्हाट इज प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी का मतलब यहां बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस नहीं है। यहां पर प्रॉपर्टी का मतलब है जनरल प्रॉपर्टी या फिर ओनरशिप। अब हर चीज यहां पर, मैंने कहा ना डेफिनेशन एक ही होगी लेकिन सीखेंगे हम लोग दो तीन चीजें। यहां पर हमें पता है जनरल प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप, लेकिन यहाँ पर हम लोग जनरल भी देखेंगे और स्पेशल भी देखेंगे। और स्पेशल का मतलब यहाँ पे एक्चुअल वाला स्पेशल ही है, स्पेशल का मतलब है यहाँ पर इंग्लिश वाला स्पेशल। ओह, दिस पर्सन इज स्पेशली एबल, दिस पर्सन नीड्स स्पेशल अटेंशन, समझ गए। तो ये जो स्पेशल है इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनो। सो जनरल प्रॉपर्टी मतलब एक्चुअल ओनरशिप, आप गुड्स को बेचो, खरीदो, खुद रहो, जो करना है करो। लेकिन स्पेशल प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, स्पेशल प्रॉपर्टी का मतलब होता है यू आर गेटिंग लिमिटेड राइट्स। अगर किसी पर्सन ने अपना कोई एसेट किसी के पास गिरवी रखवाया है, तो वो जो गिरवी रखा हुआ पैसा है ना, वो मतलब गिरवी रखा हुआ एसेट है, उसको आप बेच नहीं सकते हो, है ना, पर उसको अपनी कस्टडी में रख सकते हो, आपके पास स्पेशल ओनरशिप है उसकी, स्पेशल प्रॉपर्टी है। जनरल प्रॉपर्टी, यू आर द ओनर, नाउ यू वांट टू सेल इट, यू वांट टू बाय इट, यू वांट टू यूज इट, यू वांट टू ब्रेक इट, करो जो करना है। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो अपने डेट्स नहीं रीपे कर पा रहा है, बहुत ही परेशान करता है ये वाला टर्म हमें, है ना। इंसॉल्वेंट, जो पर्सन अपने डेट्स नहीं पे कर पा रहा है रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में। कमिंग टू प्राइस, प्राइस मींस मनी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स। कभी भी गुड्स जब हम बेचते हैं उसके बदले में जो हमें पैसा मिलता है, दैट इज प्राइस। क्वालिटी ऑफ गुड्स यानी स्टेट और कंडीशन ऑफ गुड्स। नेक्स्ट, What is the difference between sale and agreement to sale? सगाई और शादी में क्या difference होता है? वही difference है।
आ जाओ, तुमको पहले एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। काम खत्म, बस इतना ही डिफरेंस है। ओके राइट, लास्ट में मैं तुम लोग को इम्पोर्टेंट भी मार्क करा दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, सो कमिंग बैक टू द डेफिनेशंस, सेल और अग्रीमेंट टू सेल, उसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, सो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों आता है, सेल भी अग्रीमेंट टू सेल भी। आ जाओ पढ़ते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स टू बायर फॉर अ प्राइस। सेलर बेचने को तैयार है, यू नो बेच चुका है, तो वो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, एब्सोल्यूट कंडीशनल कुछ भी हो सकता है। सेल क्या होता है, अग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, आइए जानते हैं। व्हेन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर इट इज कॉल्ड सेल। लेकिन जहां पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस एट फ्यूचर टाइम और व्हेन सम कंडीशंस गेट्स फुलफिल्ड, उसको हम कहते हैं अग्रीमेंट टू सेल। तो भैया सगाई शादी में ऐसे ही थोड़ी कन्वर्ट होती है, सगाई शादी में कन्वर्ट होने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, शादी की डेट निकालनी पड़ती है, यू नो कंडीशन, या फिर म्यूचुअल कंसेंट है कि हम तो उसी डेट पे शादी करेंगे, तो या तो टाइम इलैप्स होता है या फिर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तब जाकर क्या होता है, तब ये हमारा अग्रीमेंट टू सेल बनता है, SALE सेल। समझ गए, अग्रीमेंट टू सेल क्या बनता है, सेल। क्लियर, अंडरस्टूड, राइट, गुड। नेक्स्ट, सो सेल अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल व्हेन ओनरशिप ट्रांसफर्ड, इट इज ऑलरेडी डन, इट इज ट्रांसफर्ड, तो हम कहते हैं दैट इज अ सेल। व्हाट इज अग्रीमेंट टू सेल, जब हम लोग फ्यूचर टाइम पे या कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होने पर गुड्स को ट्रांसफर करेंगे, इट इज अग्रीमेंट टू सेल। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, जिसमें सेल भी आता है, अग्रीमेंट टू सेल भी आता है। सेल और एग्रीमेंट टू सेल कन्वर्जन कब होगा, एग्रीमेंट टू सेल सेल कब बनेगा, या तो तुम्हारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी या फिर टाइम इलैप्स हो जाएगा, तो आपका एग्रीमेंट टू सेल क्या बन जाएगा, सेल बन जाएगा। समझ गए, क्लियर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। आई गॉट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल एंड में दोबारा बता दूंगी, अभी यहां फोकस कर लो। ओके, चलिए कमिंग टू दिस, हमारी सेल और एग्रीमेंट टू सेल के अंदर कुछ बेसिक चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एटलीस्ट दो पार्टीज होनी चाहिए, सेलर और बायर। क्या हम सामान खुद को बेच सकते हैं, नहीं। कैन आई नॉट सेल गुड्स टू माई सेल्फ, नो नेवर। कोई भी इंसान खुद के साथ कोई भी टाइप का कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता है, तो कम से कम चाहिए दो पार्टीज। ओके, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होगा, मूवेबल गुड्स, है ना, किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दो चीजें। तीसरा, मनी कंसिडरेशन क्या होगा, प्राइस। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होना चाहिए बिटवीन सेलर टू बायर। और पांचवी चीज है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एब्सोल्यूट हो सकता है, कंडीशनल हो सकता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बाकी कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस फुलफिल करनी है। अब ये चीज ध्यान से देख लो, व्हाट आर द असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के असेंशियल क्या है, टू पार्टीज होनी चाहिए, कौन कौन सी, बायर एंड सेलर। दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पर इसके अंदर होना चाहिए गुड्स, है ना, सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए, मूवेबल गुड्स होना चाहिए। तीसरी चीज, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होना चाहिए। चौथा पॉइंट, भैया बिना पैसों के तो कुछ होता ही नहीं है, तो कंसिडरेशन होना चाहिए। व्हाट एल्स डू वी नीड, हम कहते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है ये एब्सोल्यूट भी हो सकता है और कंडीशनल भी हो सकता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। पार्टीज का कॉम्पिटेंस होना चाहिए, लीगैलिटी होना चाहिए ऑब्जेक्ट का, तो जो भी हमारे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ना, वो तो सारी कंडीशन फुलफिल होनी ही चाहिए।
ठीक है, आर वी फाइन विद दिस? नेक्स्ट, तो सेल और एग्रीमेंट टू सेल में बेसिक डिफरेंसेस क्या है? तो हम सिर्फ पांच डिफरेंसेस याद करेंगे, एग्जाम में 5 मार्क्स का या मैक्स वैसे 4 मार्क्स का ही आएगा आएगा तो, पर ठीक है हम मान के चलते 6 का भी आ गया तो हमें 6 याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले सेल, सेल के अंदर ओनरशिप पास हो गई, एग्रीमेंट टू सेल में फ्यूचर डेट पे पास होगी, सेल एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, खत्म, डन, फिनिश। एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर में होने वाला है। सेल के अंदर हमारा ओनर कौन है? बायर। अग्रीमेंट टू सेल में ओनर कौन है? सेलर, अभी भी सेलर ओनर है। सेल के केस में अगर पैसा ना मिले तो सेलर बायर के अगेंस्ट केस कर सकता है, लेकिन अग्रीमेंट टू सेल के अंदर केस अभी नहीं हो सकता, ओनरशिप ही फ्यूचर डेट में पास होगी। कुछ अगर लॉस होता है तो सेल के केस में किसका होगा? बेचारे बायर का, वो ओनर है, लेकिन अग्रीमेंट टू सेल के अंदर लॉस किसका होगा? सेलर का, क्योंकि वही ओनर है। ठीक है, सेलर क्या कुछ को रीसेल कर सकता है सेल में? डेफिनेटली कर सकता है, वो ओनर है, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में क्या सेलर रीसेल कर सकता है? नो, नहीं कर सकता। व्हाई? ओनरशिप पास ही नहीं हुई है, मतलब सेलर रीसेल कर सकता है, बाय नहीं कर सकता। ओके, अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज पर, दैट इज सेल एंड हायर परचेज। ओके, तो ये जो हमारे सामने कहानी है ये है आदित्य, देख रहे हो आदित्य को? आदित्य सीए बन चुके हैं और अपनी लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। अपनी लाइफ को एंजॉय करते करते ही मेड अ फैक्ट दैट यार हेल्थ कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए वो अपने ऑफिस हमेशा वॉक कर करके जाते हैं, लेकिन क्या करें, बारिश आ जाती है, और बारिश आती है और ऑफिस में भीगते भीगते पहुंचते हैं तो लोग आपस में बात करते हैं यार इतना पैसा कमाता है, गाड़ी नहीं लेता। तो फाइनली एक दिन आदित्य कहते हैं यार मेरे पास सब कुछ है, बंगला है, गाड़ी नहीं, गाड़ी नहीं, बंगला है, बैंक बैलेंस है, नाम है, शोहरत है, एक गाड़ी ही नहीं है, और गाड़ी ना होने से थोड़ी सी गुडविल भी खराब खराब हो रही है। तो बस अब मैं एक ऐसी गाड़ी लेकर आऊंगा कि लोग देखते रह जाए। तो ये भाई साहब चल चल के चल चल के चल चल के चल चल के जाते हैं ऐसी कार के शोरूम में जो काफी लोगों का ड्रीम कार है, देख रहे हो ना कौन सी कार है ये, है ना, है कि नहीं है, काफी लोगों की ड्रीम कार है। अभी कार के शोरूम में जाते हैं और वहां जाके कहते हैं यार लेम्बोर्गिनी दे दो, ठीक है अब भी इंस्टेंट पेमेंट कर सकता हूँ, गाड़ी है 5 करोड़ की, और इनके लिए कोई बड़ी बात है नहीं, कहते बिल्कुल बिल्कुल भेज दो कार मेरे घर में, लेकिन रुक जाओ 5 करोड़ की कार है। अब चला सीए वाला दिमाग, तो कहते यार अगर 2-3 साल बाद मेरा मन भर गया इस कार्ड से तो मजा ही नहीं आएगा, 5 करोड़ दे दूंगा, अपॉर्चुनिटी लॉस भी हो जाएगा। तो ये ना एक स्कीम निकालते हैं, हाँ देखिए खुद ही एक स्कीम निकालते हैं, वो कहते हैं शोरूम वालों को कि ये देखो एक टेबल समझो मुझसे, मैं तुम्हें अभी पे कर देता हूं 1 करोड़, है ना, चलो 1 नहीं, ज्यादा लंबा नहीं करते, 3 साल का ही प्लान बनाते, 2 करोड़, 1 साल के बाद मैं तुमको और 2 करोड़ दे दूंगा, और 2 साल के बाद मैं तुमको और 2 करोड़ दे दूंगा। अगर अगर पहले साल के बाद मुझे ये कार से मैं बोर हो गया तो 2 करोड़ भी तुम्हारे, कार भी मैं 1 साल बाद तुम्हारे पास छोड़कर चला जाऊंगा, ओनर तुम ही रहोगे, और 1 साल बाद अगर मैं बोर हो गया तो तुम्हारे पास 4 करोड़ आ जाएंगे और कार भी तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन सेकेंड ईयर के बाद भी मुझे लगा नहीं यार मुझे 2-3 साल तो और कार चलानी है, तो फिर ये कार मैं रख लूंगा, पैसे दे दूंगा, ओनरशिप तो मुझे दे देना। शोरूम वालों ने सोचा यार क्या क्या इंसान है ये, 2 करोड़ रुपए और कार वापस दे देगा 1 साल के बाद, वाई नॉट, आइडिया अच्छा है, कर लेते हैं डील। और ये प्लान के अंडर इन्होंने कार रवाना कर दी और पहुंचा दी आदित्य के पास। ठीक है, अब यहां पर आपको भी लग रहा होगा इन लोगों की तरह कि आदित्य का तो नुकसान हो गया, है ना, 5 करोड़ की चीज 6 करोड़ में लेकर आया बंदा, कितना नुकसान हुआ है उसका? एक्चुअली नहीं, कैसे नहीं, इसने पहले साल 2 ही करोड़ दिए, 3 करोड़ इसने अपने पास रख दिए, 3% इसने कर लिए इन्वेस्ट और रिटर्न अर्न कर लिया उस पे 20% का, सीए है ना, राइट, 20% होता है 60 लाख। ओके,
फिर अगर इसने 2 करोड़ और भी दे दिए, 1 करोड़ पे और इन, अब ये सोचो अगर ये कार इसको 1 साल बाद पसंद नहीं आती, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है ना, कोई मशीनरी डिफेक्ट आ जाता, उस सबको सही कराने में कितना पैसा चला जाता। 6 महीने पसंद नहीं आ रही, 2 ही करोड़ दिए हैं, बाकी 3 करोड़ अपने पास है, 60 लाख कमा चुके हैं, 1 करोड़ 40 लाख और 1-1.5 साल में कमा लेंगे, कहीं दिक्कत है, समझ रहे हो ना। तो जो इंटरेस्ट आ रहा है ऑलमोस्ट वो बंदा उतना ही पे करेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं दे रहा है, समझ रहे हो, जो इंटरेस्ट आ रहा है ना उतना ही एक्स्ट्रा अमाउंट ये बंदा पे करने वाला है। और उसने क्या किया, सेल की जगह सिलेक्ट कर लिया, हायर परचेज, जहां पर ओनरशिप अभी खुद के ऊपर नहीं ली, रिस्क खुद के ऊपर नहीं ली, उसने ओनरशिप रिस्क सब इन लोगों के ऊपर डाल दी। उन्होंने कहा तुम 3 साल तक झेलो अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस, तुम 3 साल तक कोई भी प्रॉब्लम है तुम झेलो, मैं धमाधम धुन दूंगा इसको, क्यों, ओनर तो तुम हो, मैं थोड़ी हूं, समझ लो। एक्चुअली वो कार हम लोग ऐसे रखेंगे, नहीं तो हम कैसे करेंगे। तो बंदे ने फुल ऑन एंजॉय कर लिया अपनी कार को, साल भर बाद बोल हो गया, साल भर बाद वापस दे दी, 4 करोड़ उसके पास उसके पड़े हुए ही है, कोई दिक्कत नहीं है, दबाओ इन्वेस्ट करो। और 1 साल में तो ऑफिस वाले भी इंप्रेस हो जाएंगे कि और पता, लेम्बोर्गिनी नहीं ला सकता है। सोचो 5 करोड़ की गाड़ी 2 करोड़ में आ गई, हायर परचेस, समझ गए। सो हायर परचेस इंस्टॉलमेंट सिस्टम वर्सेस सेल, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों बहुत नजदीक है, अल्टीमेटली सेल में भी ओनरशिप ट्रांसफर होनी है ना, सेलर बायर को गुड्स देने ही वाला है, और हायर परचेज में भी ओनरशिप ट्रांसफर होती है, लेकिन डिफरेंस क्या है, बहुत मिलते जुलते हैं लेकिन अलग है, क्या डिफरेंस है आ जाओ देख लेते हैं। ओनरशिप दोनों में तुरंत ट्रांसफर होती है, लेकिन हायर परचेज में आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हो और सेल में आप तुरंत पेमेंट कर लेते हो। ओनरशिप जो होती है गुड्स की, मतलब गुड्स का पजेशन तो तुरंत ट्रांसफर होता है, ओनरशिप बाद में ट्रांसफर होती है, किसमें, हायर परचेज में, लेकिन सेल में ओनरशिप भी तुरंत ट्रांसफर होगी और गुड्स भी तुरंत ट्रांसफर होगी। हायर परचेज के केस में आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हो, खत्म कर सकते हो, इफ यू आर द पर्सन हु इज टेकिंग द गुड्स, ठीक है। लेकिन अगर गुड्स खरीद लिए फिर क्या कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करोगे, जाओ उसके पास, वो कहेगा पैसे ले लिए मैंने, गुड्स तुम्हारी है, तुम जानो, तुम्हारा हेडेक है, समझ गए। तो सेल्स के केस में क्या होता है, ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर होती है, हायर परचेज के केस में ओनरशिप फ्यूचर डेट को ट्रांसफर होगी, जब आप आखिरी इंस्टॉलमेंट दे दोगे 2 साल के बाद। हायर परचेज के केस में बायर सेल के केस में बायर ओनर है, लेकिन हायर परचेज के केस में अभी भी जो बंदा हायर सेलर है वो ओनर है, लेम्बोर्गिनी वाले ही ओनर है। सेल के केस में आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकते हो, टर्मिनेट नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट टर्मिनेट, लेकिन हायर परचेज के केस में आप जब चाहो तो गुड्स को रिटर्न कर दो, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेटेड ही है। सेल के केस में सेलर को रिस्क होता है अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाए तो, भैया मेरा पैसा नहीं आएगा, लेकिन हायर परचेज के केस में कोई दिक्कत नहीं है, पैसा नहीं आएगा, हम गुड्स वापस ले आएंगे, हमें काहे का डर, ठीक है। सेल के केस में हमेशा गुड्स का ओनरशिप बायर को पास होता है, हायर परचेज के केस में नहीं पास होगा जब तक पूरा पैसा नहीं दोगे, ठीक है। बायर जो है तो गुड्स को रीसेल कर सकता है, हायर परचेज के केस में रीसेल नहीं हो सकती है जब तक हायर परचेज सेल में ना बदले। तो क्या हायर परचेज सेल में बदल सकती है, जी हाँ, सारी इंस्टॉलमेंट पे कर दो, हायर परचेज सेल में बदल सकती है, ओके। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या याद रखना है, तो हायर परचेज और सेल में क्या डिफरेंस है, हायर परचेज के केस में फ्यूचर में ओनरशिप ट्रांसफर होगी, सेल के केस में भी ट्रांसफर होगी। हायर परचेज के केस में रिस्क किसकी है, हायर परचेज के केस में रिस्क अभी भी हायर सेलर की है, लेकिन यहाँ पर गुड्स को लेकर रिस्क किसकी है, बायर की है, ओके। अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है हायर परचेज के केस में कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेल के केस में फर्क पड़ता है। कमिंग टू सेल एंड बेलमेंट, बेलमेंट का मतलब होता है कोई चीज दे ही इसलिए रहे क्योंकि वापस से लेनी है, हम दे क्यों रहे अगर वापस लेनी है तो, और वापस लेनी है तो देना थोड़ी होता है, होता है, ध्यान से समझो, कुरियर वालों को सामान देना पड़ता है ना कभी कभी डिलीवरी करवाने के लिए, तो कुरियर वाला हमारा बायर है, कुरियर वाला ओनर है, सामान तो उसके पास है क्योंकि वो हमारा बेली है, हमने उसको बोला है कि तुम हमारे हिसाब से जाओ वहां और जाकर सामान देकर आओ। डुंजो वर्ड सुना है, डुंजो इज अ ऐप जहां पर आप किसी पर्सन को, किसी पॉटर को अपनी तरफ से बोल सकते हो कि यार तुम हमारे बिहाफ पे सामान लेकर आओ या किसी को देकर आओ। ये लो बेलमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल,
हमारी गुड्स हम किसी और को डिलीवर करवाना चाहते हैं, कहीं और से हम गुड्स मंगवाना चाहते हैं, इट इज ऑल बिलमेंट। एंड बिलमेंट दो तरीके का होता है, एक होता है ग्रेटिट्यूस बिलमेंट, दूसरा होता है नॉन ग्रेटिट्यूस बिलमेंट। ठीक है, पहले ये वाला पॉइंट समझाते हो, ग्रेटिट्यूस एहसान वाला, नॉन ग्रेटिट्यूस बिना एहसान का पेमेंट करके, मतलब डुंजो वाले चार्ज करते हैं जब आप सामान मंगवाते हो तो। ठीक है, पोर्टल सर्विस लेते हो वो चार्ज करते हैं, कुरियर सर्विस लेते हो वो लोग चार्ज करते हैं, लेकिन अगर पड़ोसी आपकी कार मांग कर ले जाता है तो आप चार्ज नहीं कर पाते हो। ग्रैटिट्यूस, जब आप किसी पे ग्रैटिट्यूड करते हो, एहसान करते हो, ग्रैटिट्यूस पेमेंट। लेकिन जब आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो, आप पेमेंट कर रहे हो, नॉन ग्रैटिट्यूस पेमेंट। तो सेल के केस में ओनरशिप ट्रांसफर होती है, बिलमेंट के केस में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, सिर्फ कस्टडी ट्रांसफर होती है। सेल के केस में गुड्स रिटर्न करने का कोई ऑप्शन नहीं है, अरे बेलमेंट तो होता ही इसलिए क्योंकि रिटर्न करना है, और सेल के केस में मनी हमेशा पे करना पड़ेगा, कंसिडरेशन पे करना पड़ेगा, बिना कंसिडरेशन के सेल नहीं होता। लेकिन बेलमेंट दो तरीके का हो सकता है, ग्रैटिट्यूस भी और पड़ोसी वाला, है ना, ग्रैटिट्यूस वाला पड़ोसी वाला, नॉन ग्रैटिट्यूस कुरियर वाला। तो आप पेमेंट वाला भी ले सकते हो, बिना पेमेंट वाला भी ले सकते हो। कमिंग टू सेल वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर, अगर आपने गोल्ड शॉप से जाकर ज्वेलरी बाय करी, ठीक है, ज्वेलरी पड़ी हुई मिल गई, आपको पसंद आ गई, आप लेकर आ गए, ये क्या था, सेल। लेकिन आपने उसको गोल्ड दिया और कहा कि आप बस मैं जैसे जैसे कह रही हूं वैसे बनाकर दे दो, तो आपने उसकी सर्विसेज ली, पैसा तो तब भी देना पड़ेगा, लेकिन तब सोने का पैसा नहीं दोगे गोल्ड का, तब आप गोल्ड का पैसा नहीं दोगे, तब आप किसका दोगे, मेकिंग चार्जेस दोगे, सर्विस चार्जेस दोगे। तो जब हम किसी के सर्विस के लिए पेमेंट करते हैं उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर, लेकिन जब हम किसी से कोई सामान खरीदते हैं तो उसको हम कहते हैं सेल। अब आते हैं हम लोग इस चीज पे कि भैया ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाए कैसे, हाउ टू मेक कॉन्ट्रैक्ट, अरे नहीं रे, 1930 की इंग्लिश थी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनाए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, सेक्शन नंबर 5 विद 5 लेटर्स एंड गंदी इंग्लिश। सो जब भी कोई पर्सन दूसरे पर्सन को ऑफर देता है टू बाय और सेल, और जब सामने वाला उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, गुड्स डिलीवर हो जाती है, प्राइस डिसाइड हो जाता है, तो बन जाता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ये ऑफर है ना बच्चों, इट्स ऑफर। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए हमें क्या चाहिए, ऑफर चाहिए और उस ऑफर का एक्सेप्टेंस चाहिए। गुड्स की डिलीवरी इमीडिएट हो सकती है, पेमेंट इमीडिएट हो सकता है, गुड्स की डिलीवरी फ्यूचर डेट पे हो सकती है, पेमेंट भी फ्यूचर डेट पे हो सकता है, अरे दोनों भी इंस्टॉलमेंट में हो सकती है, पर ऑफर एक्सेप्ट करना है, कंसिडरेशन डिसाइड करनी है, वो इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज हाउ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनता है, तो ऑफर एक्सेप्टेंस एट अ प्राइस। गुड्स कब डिलीवर करोगे, जब तुम बोलो, अभी कर लेते हैं, इंस्टॉलमेंट में कर लेते हैं, फ्यूचर डेट पे कर लेते हैं, ठीक है। पेमेंट कब करोगे, अभी कर लेते हैं, इंस्टॉलमेंट में कर लेते हैं या फ्यूचर डेट पे कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 6, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स। अब ये ना धोखेबाज सेक्शन है, ये ध्यान रखना, धोखा है यहाँ पर। धोखा क्यों है, क्या कहा इसने, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स, क्या नहीं लिया इसने, कंटिंजेंट नहीं लिया, नीचे लेगा, ध्यान से सुनना। सो कभी भी अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करना है तो उसमें चाहिए गुड्स, गुड्स कौन सी हो सकती है, एग्जिस्टिंग हो सकती है, फ्यूचर हो सकती है, और ऐसी गुड्स भी हो सकती है जो किसी कंटिंजेंसी पर डिपेंड करती है, यानी कंटिंजेंट गुड्स भी हो सकती है, समझ गए। सो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जिस्टिंग गुड्स का हो सकता है, फ्यूचर गुड्स का हो सकता है, फ्यूचर गुड्स की आप प्रेजेंट सेल कर रहे हो वो भी हो सकता है, और कंटिंजेंट गुड्स का भी हो सकता है, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर मतलब गुड्स होनी चाहिए, कोई भी हो, तीनों में से कुछ फर्क नहीं पड़ता, समझ गए, इजी है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट, लोफर का एग्जाम्पल लिया, लोफर तो क्लास में आ ही सकता है। अजय मिलते हैं हम मिस Perfectionist. What she want is she always want the bestest quality of fruits. Okay? उसको मिलते हैं, मिलता है एक फ्रूट वाला जो सबसे बेस्ट क्वालिटी के फ्रूट लगता है। एक सेकेंड ना,
वो क्या करता है, वो सबसे 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 बेस्टेस्ट क्वालिटी के फूड्स रखता है। और ये जो हमारी मिस परफेक्शनिस्ट है, ये कहती है कि यार मेरे को फ्रूट्स अब इसी से लेने हैं क्योंकि इतनी बढ़िया क्वालिटी के फ्रूट्स हैं, एंड यू नो इफ दिस पर्सन इज कीपिंग, मैं इसी से फ्रूट्स करूंगी, सिटी के बेस्ट फ्रूट्स हैं। ये इसको जाके कहती है भैया 1 किलो स्ट्रॉबेरीज दे दो, 1 डजन कीवी दे दो। ये लोग जो अमीर लोग होते हैं ना, ऐसे केले डजन में नहीं लेते, वो कीवीज डजन में लेते हैं। तो 1 डजन कीवी दे दीजिए, 1 डजन ड्रैगन फ्रूट दे दीजिए, है ना, ब्लूबेरीज के 2-3 बॉक्सेस दे दीजिए, 1 केजी स्ट्रॉबेरी दे दीजिए। और ये सब कहते 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 अचानक से उसकी नजर पड़ती है, वो बंदा जो पैक कर रहा होता है उसको, उस पर्सन को भी नहीं पता होता, उसने जो स्ट्रॉबेरी पैक करी है वो अंदर से सारी सड़ी हुई है, फंगस लगी हुई है, पूरी फंगस की एक लेयर है। डू यू थिंक ये लड़की वो स्ट्रॉबेरी लेगी? क्या आप लोगे? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, कतई नहीं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बुलाएंगे हमारी कार को और वहां से भाग जाएंगे। समझ गए, निकलो यहां से। दैट इज द बेस्ट थिंग वी कैन डू, एंड दैट इज व्हाट इज सेक्शन नंबर 7 एंड 8। 3 सेक्शन बचे, 5 मिनट में खत्म करते हैं। सो गुड पैरिशिंग बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, सो गुड पैरिशिंग बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या कहते हैं, जब भी स्पेसिफिक गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा अगर सेलर को भी नहीं पता और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से पहले ही गुड्स क्या हो गए, पैरिश हो गए। ए ने बी को कहा कि मुझे 50 बैग चाहिए वीट के, वो जो वीट था वो गोडाउन में जब जाकर देखा ऑलरेडी पानी भर गया था और वीट सड़ चुका था। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा क्योंकि इन दोनों के बीच में एक्चुअली अग्रीमेंट ही नहीं हुआ है अभी, कॉन्ट्रैक्ट तो दूर की बात। लेकिन एक दूसरा केस भी है, गुड्स सेल से पहले तो वो सड़ गई लेकिन अग्रीमेंट टू सेल के बाद सड़ी। आपने फ्रूट सेलर को कहा कि आप मेरे लिए 5 किलो एप्पल मंगवा कर रखो, मैं कल आकर लेती हूँ, और आप क्या करोगे, आप उसको एडवांस दे दोगे। अब जब कल यानी नेक्स्ट डे वो बंदा आपके लिए एप्पल लेकर आया और आपने एप्पल को खोल के देखा, एप्पल सड़ी हुई थी, सेलर को भी नहीं पता, सेलर की भी गलती नहीं थी बट सड़ी हुई एप्पल थी, उसने भी रियलाइज नहीं किया, क्या हम उससे वो लेंगे एप्पल? सीधा आंसर इज नो, है ना, एकदम खराब है तो नहीं लेंगे। मान लो 2-4 एप्पल खराब है तो हम शायद ले लें। तो ऐसे केस में डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन कि वो चीज कितनी ज्यादा डैमेज है, हम हमारी ऑप्शन पे उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। सो अगर कभी भी सेल से पहले लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के बाद अगर गुड्स पैरिश होती है तो वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, अग्रीमेंट टू सेल कुछ नहीं हुआ, वॉइड। अग्रीमेंट टू सेल हो गया लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं हुआ, वॉइडेबल। अब चाहो तो लो, अब चाहो तो ना लो। सेक्शन नंबर 8, सेक्शन नंबर 9 और 10। ठीक है, अब घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो हमेशा पैसों के बारे में बहुत सोचते हैं, पैसा बचा के रखो, है ना, पैसा ज्यादा खर्च मत करो। हमारे जमाने में तो पैसों की इतनी वैल्यू थी, आज के बच्चे तो पैसों की वैल्यू नहीं करते हैं। वैसे ही यूनिट नंबर 1 के दो बुजुर्ग सेक्शन यानी सबसे बड़े सेक्शन है सेक्शन नंबर 9 और 10, और 9 और 10 भी बात करते हैं पैसों के बारे में। सेक्शन नंबर 9 कहता है अबाउट एसरटेनमेंट ऑफ प्राइस। कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हो, उस कॉन्ट्रैक्ट में ही पैसा फिक्स कर दो, ये तो बढ़िया था। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स नहीं किया, कोई बात नहीं, बायर सेलर को रीजनेबल प्राइस दे देगा। बायर क्या करेगा, सेलर को रीजनेबल प्राइस दे देगा। तो फिर यहां पर क्या होगा, ये भी एक तरीका है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने का। समझ गए। नेक्स्ट, तो प्राइस कहाँ फिक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फिक्स होगा। कॉन्ट्रैक्ट में अगर नहीं फिक्स हुआ तो रीजनेबल प्राइस दे देगा, और रीजनेबल प्राइस नहीं दिया तो हम जाएंगे सेक्शन नंबर 10 के पास। 10 तो बचा है ना, हम किसी वैल्यूअर को भी अपॉइंट कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 10 क्या कहता है, कभी भी अगर एग्रीमेंट टू सेल ऑफ गुड्स हो रहा है, कभी भी अगर एग्रीमेंट टू सेल ऑफ गुड्स हो रहा है तो हम एज अ बायर एंड सेलर चाहे तो किसी थर्ड पर्सन को कह सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, दीपिका और अनामिका ये दोनों डिसाइड करते हैं कि यार, मतलब दीपिका के पास एक पेंटिंग है जो अनामिका को खरीदनी है, तो अनामिका कहती है यार मुझे पेंटिंग चाहिए। दीपिका और अनामिका कहती है यार कितने में बेचे, क्या करें, एक काम करते हैं आर्यन से पूछ लेते हैं, आर्यन जो रेट बोलेगा ना उस रेट में हम ये पेंटिंग का सेल प्रोसीड कंप्लीट कर लेंगे। हमने क्या किया, एक तीसरे पर्सन को हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आया और उसको हमने कहा कि भैया तुम वैल्यूएशन कर लो। ओके, अच्छा,
अगर थर्ड पार्टी कहती है मैं नहीं, आर्यन कहता है मैं क्यों बीच में फंसू, है ना, तुम दोनों के बीच में मैं क्यों फंसू, ज्यादा प्राइस बोल दूंगा, हो सकता है नामिका नाराज हो जाए, कम प्राइस बोल दूंगा तो दीपिका नाराज हो जाओ, चाहो मैं नहीं करता वैल्यूएशन, आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लीजिए। अगर गुड्स ऑलरेडी ट्रांसफर हो गई, अनामिका ने कहा है पेंटिंग तो मेरे को चाहिए, है ना, अब तुम देख लो, तो उस केस में अब आप क्या करो, वैल्यूअर तो पीछे हट गया, आप रीजनेबल प्राइस पे कर दो, ठीक है। बाय चांस पता चल जाता है कि आगे ने वैल्यूएशन इसलिए नहीं किया क्योंकि दीपिका ने उसको फोर्स किया था या फिर अनामिका ने उसको फोर्स किया था, तो जो भी पार्टी इस तरह से प्रेशर डाल दिए जिसका फॉल्ट है, उससे दूसरी पार्टी डैमेजेस ले सकती है, समझ गए? तो ऐसे केस में दूसरी पार्टी क्या कर सकती है, डैमेजेस ले सकती है, क्लियर? सो वैल्यूअर वैल्यूएशन कर सकता है, और वैल्यूअर जब वैल्यूएशन करता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं भैया रीजनेबल प्राइस, अगर वैल्यूएशन नहीं किया, और अगर वैल्यूएशन किया है तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें उस केस में करना है एकदम क्लियर डिफाइंड। नाउ कमिंग टू द फैक्ट कि मैम सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस पूरे चैप्टर में, तो सबसे पहले आप लोग गुड्स के डेफिनेशन को स्टार मार्क कर लीजिए, जो गुड्स का डेफिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में उसे क्वेश्चन पूछा जाता है और टाइप्स ऑफ गुड्स भी पूछा जाता है, तो यहाँ आ जाओ, गुड्स के डेफिनेशन को स्टार मार्क कर लीजिए, गुड्स एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स। तो आई वुड जस्ट से लाइक ये जो पूरा चार्ट है ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक असर्टेन अनअसर्टेन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और गुड्स के टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, दैट इज वन थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, इट मे बी आस्क फॉर इवन 6 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट थिंग है दैट इज आस्क्ड ओनली ट्वाइस टिल नाउ, बट कभी भी वापस पूछी जा सकती है, दैट इज डिलीवरी। डिलीवरी बहुत ही आसान है, अगर आप ढंग से समझ लेते हो तो आप डेफिनेटली इसका सही से आंसर कर सकते हो। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल पे ऐसे कभी क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि मुझे पर्सनली भी नहीं लगता ये इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर से बता देती हूँ, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल वो डॉक्यूमेंट होता है जो डिफाइन करता है, जिसके हाथ में वो डॉक्यूमेंट है वो ओनर, समझ गए? लेकिन डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें ओनर का नाम लिखा होता है, किसी के पास वो डॉक्यूमेंट जाने से कुछ फर्क पड़ता नहीं है, एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया, आने के चांसेस भी बहुत कम है। मर्केंटाइल एजेंट प्रॉपर्टी ऑब्वियसली नथिंग इज दैट इम्पोर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन से सच क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन दो डिफरेंस बिटवीन जो मैं कहूंगी तुम लोग को कर लेना चाहिए, वन इज हायर परचेज एंड अनदर सेल वर्सेज अग्रीमेंट टू सेल, ठीक है, ये दोनों थोड़े से इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा 4 मार्क्स के लिए अगेन एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट आर असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, सो असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल जो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाए थे, लिखवाए ही इसलिए थे क्योंकि मुझे पता था दिस लाइक लिटिल इंपॉर्टेंट, सो इट इज टू पार्टीज गुड्स, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, कंसिडरेशन एब्सोल्यूट और कंडीशनल हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और बाकी असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है, तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एज आई सेड कि सेल और हायर परचेज का डिफरेंस देख लेना, सेल और एग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस देख लेना, बिलमेंट आने के चांसेस बहुत कम है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क और लेबर आने के चांसेस बहुत कम है, बट रिविजन आपको सब चीजों का करना है ना, डोंट टेक एनीथिंग लाइटली, ठीक है। केस स्टडी बनता है सेक्शन नंबर 7 और 8 से, कई बार बनता है सेक्शन नंबर 7 और सेक्शन नंबर 8 दोनों से केस स्टडी बन जाता है पैरिशेबल गुड से, तो वो हमें आइडेंटिफाई करके उसका सही आंसर देना पड़ता है, वो केसेस हम लोग करेंगे क्योंकि पिछले 2 RTPs से उसके केसेस आए हैं RTPs के अंदर, तो एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेक्शन नंबर 9 और 10 में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको RTP में भी उसके क्वेश्चन मिलेंगे और एक बार एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है, सो ऑल इन ऑल यूनिट 1 से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूनिट 3 जिसको लेके सब बच्चे बहुत परेशान होते हैं, देर आर टाइम्स जब उससे क्वेश्चन नहीं भी पूछा जाता है, बट हमारे लिए एक्चुअली इट सेल्फ इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगी कि यू नो डू नॉट लीव एनीथिंग, डू एवरीथिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है एंड इट इज हेल्पफुल फॉर यू, तो तुम लोगों को कहूँगी प्लीज सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मुझे टैग करके अपने इंस्टा पर डालो, और बस आज रात को ये टॉपिक खत्म करके सो, ताकि कल हम लोग यूनिट 2 कर सकें, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइज, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शेयर कर लीजिए और 1 शॉट रिवीजन को पूरी ताकत से एंजॉय करो। ये लिंक आपके पास है, ये लिंक आपके लिए बहुत यूजफुल है क्योंकि इस लिंक के अंदर आपको पूरा डेटा मिलने वाला है, इंक्लूडिंग द नोट्स विच आर रेलिवेंट फॉर यू फॉर एग्जामिनेशन क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, उसी में मैं आपको क्वेश्चन भी अपलोड करूंगी, टेस्ट भी उधर ही आएगा, ये लिंक भी अपने पास सेव करके रखना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, दैट्स इट, राइट।
लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके बताना हाउ यू लाइक द सेशन, और इसी तरह से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मेरे साथ साथ आपको याद करना है, डेली बेसिस पे आपको टारगेट मिलेगा। ठीक है, ठीक है, अगर सब कुछ सही रहा 70+ नहीं हो सकता है, मेनी ऑफ यू विल गेट 80+। राइट, थैंक यू सो मच गाइज, कीप स्टडिंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड एंड सी यू ऑल टुमारो। टेक केयर, बाय बाय।